अस्सलामुअलैकुम, मैं जुलेखा अरफा जुलेखास किचन से। तो चलिए आज बनाते हैं वेज रेसिपी, तुरई और चने की दाल की सिंपल सी सब्जी। बहुत ही मज़ेदार बनती है और कम मसालों में। हमेशा मैं कम मसाले डालती हूँ वेज रेसिपीज के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी विदाउट टाइम वेस्ट किए। साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेज रेसिपी बनाते हैं आज की। चलिए, यहाँ पर ना मैंने ये चने की दाल है, जैसे आप देख सकते हैं, आप सबको पता होगी, ये एक कप चने की दाल को मैंने 2-3 पानी से धो के साफ पानी के अंदर भिगाने रख दिया था। तकरीबन 2 घंटे से भीगने रखी है, अच्छी फूल जानी चाहिए 2 घंटे के अंदर। वैसी जब फूल जाए तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई के अंदर तेल डाल दिया, अपने हिसाब से डालिएगा। 1 छोटा चाय का चम्मच साबुत जीरा डाल दीजिए। जब जीरा तड़तड़ा जाए तो यहाँ पर डाल दीजिए 1 टेबल स्पून भर कर लहसुन बारीक कटा हुआ, और इसे चला लीजिए। चूल्हा मैं मीडियम कर रही हूँ, और ये जो लहसुन है ना, इसे बार बार चलाते हुए 1.5 मिनट तक फ्राई कर लीजिए। जब 1 मिनट हो जाए फ्राई लहसुन, तो इसमें प्याज डाल दीजिए बारीक कटी हुई, 1 मीडियम साइज़ की, और इसे भी बार बार चलाते हुए फास्ट आंच पर या मीडियम आंच पर फ्राई कर लीजिए। तब तक फ्राई कीजिए जब तक कच्ची पक्की नहीं हो जाती प्याज। इसी के दरमियान मैं एक हरी मिर्ची डाल रही हूँ बारीक काट कर। अगर ये आपने नहीं डालना है तो मत डालिएगा, ऑप्शनल है, हरी मिर्ची स्किप कर दीजिए। अब जब प्याज कच्ची पक्की हो जाए तो सबसे पहले तो चूल्हे को कर दीजिए स्लो आंच, और ये जो हमारी दाल है उसे पूरी तरीके से नितार लीजिए और ड्रेन करके इसमें दाल को, सारी साबुत दाल डाल दीजिए। इसमें नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर डाल दीजिए, 1/2 छोटा चाय का चम्मच धनिया पाउडर, और 1 या 1.5 छोटा चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। वैसे मैंने कश्मीरी डाला है, आपका ज़्यादा स्पाइसी हो तो कम डालिएगा। मैंने 1.5 छोटा चाय का चम्मच डाला है लाल मिर्ची का पाउडर, आप कम भी डाल सकते हैं। और इसे मीडियम आंच पर बार बार चलाते हुए 2 मिनट तक पकने दीजिए, सो दैट थोड़े मसाले भी भून जाए, और ये जो हमारी जो दाल है इसमें भी थोड़े मसाले अच्छे भूनेंगे ना। जब 2 मिनट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1 कप जितना पानी। पानी डाल लीजिए, उबाल खिला लीजिए, और जब अच्छा उबाल आ जाए तो स्लो आंच करके इसे तकरीबन 15-20 मिनट तक पकने दीजिए। तब तक पकाएं जब तक हमारी जो दाल है 80% तक गल नहीं जाती, तब तक। अच्छा, 15 मिनट के बाद आप खोलकर चेक कर लीजिएगा, अगर आपको पानी कम लगे और तब भी 80% गली ना हो तो कोई बात नहीं, आप पानी डाल दीजिए 1/2 कप, और फिर से उबाल खिलाकर ढक कर स्लो आंच पर रख दीजिए 10-15 मिनट, और तब तक पकाएं जब तक हमारी ये जो दाल है 80% तक गल नहीं जाती, तब तक उसे रखें। ये है 250 ग्राम तुरई। अब तुरई ने क्या करना है हमें पता है, इसकी जो छील है ये देखिए इस तरीके से निकालती जाए, जो आपको वो जो काटे काटे वाली लग रही है ना, वो ही सारा निकालते जाए। बाकी की थोड़ी बहुत लगी हुई रहेगी हमारी तुरई के अंदर तो कोई बात नहीं है, उससे कोई टेस्ट खराब नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। बट वो जो काटे टाइप जो आप देख रहे थे तुरई के अंदर, वो सारे निकाल दीजिएगा। इसी तरीके से सारी काट लीजिए, और जब आप सारी काट लें तो धो लीजिए और 1 के 4 पीस कीजिए, और उसके मीडियम साइज के पोर्शन कर लीजिए 4 पीस के, ये इस तरीके से। चलिए, तुरई हो चुकी है सारी, मैंने काट ली, इसे साइड पर रख देती हूँ। अब जाते हैं दाल की ओर, दाल चेक कर लेते हैं, हमें 80-85% पकानी। ये देखिए माशाल्लाह 80-85% हो चुकी है। चूल्हा कर दीजिए मीडियम आंच, और ये जो तुरई साइड पर रखी है सारी डाल दीजिए, क्योंकि बाकी का जो परसेंट है ना, हमारी दाल तुरई के साथ पकेगी तो तुरई भी पक जाएगी और दाल भी पक जाएगी। चूल्हा मीडियम आंच पर है, 1-2 बार चला लीजिए, नमक एडजस्ट कर लीजिए, और इसे 1/2 मिनट तक पकने दीजिए मीडियम आंच पर। जब 1/2 मिनट हो जाए तो चूल्हा स्लो आंच करके इसे ढक कर तकरीबन 6-8 मिनट तक पकने दीजिए, या तब तक पकाएं जब तक तुरई और दाल दोनों नहीं गल जाती। दाल को पकाने के लिए ये जो तुरई है वो खुद अपना पानी छोड़ेगी, तो उतने में दाल भी पक जाएगी बाकी जो बची है, और तुरई खुद ब खुद पक जाएगी अपने पानी के अंदर। तो चलिए, मैंने खोल लिया, मैंने पूरा 6-8 मिनट के बाद नहीं खोला, मैंने बीच में ही खोल लिया, और मुझे थोड़ी सी भिजी चाहिए, तो मैंने तकरीबन 4-5 मिनट के बाद खोल लिया, और इसमें थोड़ा सा पानी डाला है, और इसे समझिए ना 1/2 कप जितना, और इसे मैंने मीडियम आंच किया, उबाल खिला लिया, उबाल आ गया तो स्लो आंच करके इसे ढक कर बाकी के 4-5 मिनट मैंने पकने दिए। अब ये ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना है पानी तो मत डालिए, आपको भिजी नहीं चाहिए तो आप सूखी भी रख सकते हैं, पानी डालने की ज़रूरत नहीं लगती है, वो पानी के अंदर ही जो तुरई छोड़ती है उसी में ही तुरई भी गल जाती है और दाल भी गल जाती है। देखिए, तुरई मेरी एकदम परफेक्टली हो चुकी है, देखिए माशाल्लाह, और यहाँ दाल हमारी आप देख सकते हैं कि कितनी प्रॉपरली आपको साबुत दिख भी रही है, और ये देखिए कितनी अच्छी से स्मूथ हो गई है एकदम, मतलब
ऐसा नहीं आना चाहिए कि मुंह में दाल का थोड़ी भी कणी नहीं आना चाहिए, लेकिन साबुत साबुत दिखनी भी चाहिए ये वाली सब्जी के अंदर। ये हल्का एक ट्रिकी पार्ट है कि ये दाल दिखनी भी चाहिए, नहीं तो वो हमारी दाल तड़का वाली दाल तड़का नहीं हो जाएगा। एकदम आप गला लोगे दाल को तो एकदम ही फुसकी हो जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। तो चलिए अब मैं इसे गर्मा गर्म प्याले में निकालती हूँ और गर्मा गर्म इसे सर्व करती हूँ। तो ये बन गई हमारी मजेदार सी स्वादिष्ट तुरई दाल की सब्जी। हरी मिर्च चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लाल मिर्ची का पाउडर आप कम भी डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ जो दाल लीजिएगा वो फ्रेश नई वाली दाल लीजिएगा, पुरानी दाल मत लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, पुरानी अगर दाल होती है तो पकने के लिए ना वो बहुत ज़्यादा समय लगाती है। अब जैसे 15-20 मिनट में नहीं पकेगी और आधा पौना घंटा ले लेगी आपका। तो बेटर है कि पुरानी दाल ना लेके नई चने की दाल आप लें तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो बट्ठर हो जाती है। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की। अगर आप ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो जल्द से जल्द लाइक कीजिए ये वीडियो को सबसे पहले, और उससे ज़्यादा अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।